हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने किया सोजत रोड थाने का निरीक्षण। सोजत रोड पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत शुक्रवार दोपहर को सोजत रोड थाने पहुंचे, थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पहली बार सोजत रोड पुलिस थाना आगमन पर सोजत सर्कल के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के नेतृत्व में सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम ने पुलिस उप अधीक्षक राजन दुष्यंत का गर्मजोशी से गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वागत कक्ष, महिला डेस्क, मालखाना, भोजनशाला, बैरिक, कार्य प्रणाली शाखा, कंप्यूटर कक्ष, हवालात एवं पेंडिंग पड़ी फाइलों का बारीकी से निरीक्षण कर सोजत थाना अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि जिले में अपराध पर लगाम लगाना है। आम जन के विश्वास अपराधियों में भय, जिले के प्रत्येक थाने में भीड़ प्रणाली को मजबूत करना एवं जिले में तैनात सभी पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई कर मनोबल बढ़ाना, कर्तव्य निष्ठा से कार्य के प्रति लगन लगाकर ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करना है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत इन्होंने ये कहा। बेसिकली जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं और जिस पर राजस्थान पुलिस को कार्य करना चाहिए, जो कार्य योजना हमारी है, उस बारे में मुलाजमानों से चर्चा की है, उस बारे में थाना अधिकारी वक्ताधिकारी से चर्चा की है। थाने का निरीक्षण कर जो थाने के अंदर व्यवस्थाएँ हैं उनको और सुचारू और इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है, उस बारे में हमने गाइड किया है। साथ ही जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, कमजोर तबका है समाज का या महिला अत्याचार को लेकर के जो संवेदनशीलता होनी चाहिए मुलाजमानों को, उस बारे में इनको ब्रीफ किया गया है। जिस तत्परता के साथ इस तरह के प्रकरणों में संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो आम फरियादी थाने पर आता है किस प्रकार उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसको तस्वीर से बैठ करके उसकी बात सुनी जाए, इस बारे में तो सबसे चर्चा की गई है। जो थाने का मालखाना है उसका निस्तारण है, जो थाने का पुराना रिकॉर्ड है जो तलब किया जाना है उसका निस्तारण है, इस बारे में भी इनका मैस, साफ़ सफाई, जो रहने की व्यवस्था है उस बारे में चर्चा की है। और साथ ही मुलाजमानों की हौसला अफजाई की गई है कि वो अच्छा काम करें और आम जन तक एक अच्छी पुलिसिंग की सोच, जो अच्छी पुलिसिंग देनी चाहिए, वो किस तरह से दी जाए और किस तरह से। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।